हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन अब जो कि हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। आईपीएल के मेगा ऑक्शन की डेट भी हमारे सामने निकल कर आ चुकी थी, जहां पर 12 और 13 फरवरी को हम सभी लोगों को मेगा ऑक्शन देखने को मिलने वाला है। तो मेगा ऑक्शन के ड्राफ्ट की डेट भी अब हमारे सामने फाइनलाइज हो चुकी है। तो ड्राफ्ट के बारे में पूरी डिटेल्स, जैसा कि हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया था सुबह वाली वीडियो में, आज इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल में बताएंगे। इसके साथ ही इसको आप कहाँ पर लाइव देख पाएंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, अगर आप लोग चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कीजिए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अब आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन ड्राफ्ट की प्रोसेस के लिए बीसीसीआई ने पिछले काफी टाइम से विंडो ओपन की थी, जिसके बाद ना सिर्फ इंडिया से बल्कि पूरे ऑल अराउंड द वर्ल्ड से ना सिर्फ कैप बल्कि काफी सारे अनकैप प्लेयर्स ने भी अपना नाम दिया था, जिसके बाद बीसीसीआई के द्वारा अलग अलग ड्राफ्ट की कैटेगरीज को निर्धारित किया गया था। और ड्राफ्ट की कैटेगरीज को मेजरली दो अलग अलग कैटेगरीज यानी कि कैप्ड और अनकैप्ड प्लेयर्स में बांटा गया था, जिसके बाद फर्दर इसमें हमें बाकी और कैटेगरीज भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि विकेटकीपर, उनके साथ ही बैट्समैन, बॉलर्स और उनके साथ ही ऑलराउंडर्स। इस तरीके की कैटेगरीज में अलग अलग बेस प्राइस के हिसाब से बीसीसीआई सभी आईपीएल प्लेयर्स को हमें बांटते हुए नजर आती है। लेकिन गाइज, इस बार का मेगा ऑक्शन का जो ड्राफ्ट है वो हमें और भी ज्यादा स्पेशल देखने को मिलने वाला है, क्योंकि दो नई आईपीएल टीमें यानी कि लखनऊ और अहमदाबाद ऑलरेडी इसमें ऐड हो चुकी हैं। और ये टीमें ना सिर्फ अपने स्पेशल पिक प्लेयर्स को चुनने वाली हैं, बल्कि तीन तीन प्लेयर्स के बाद जब ये टीमें आप लोगों को मेगा ऑक्शन में उतरते हुए नजर आएंगी, तो उसके बाद 10 आईपीएल टीमों के बीच में ऑलमोस्ट इक्वल बैलेंस पर्स के साथ आप लोगों को मेगा ऑक्शन प्रोसीड होता हुआ नजर आएगा। जिसके साथ ही इस बार के मेगा ऑक्शन के ड्राफ्ट में नंबर ऑफ प्लेयर्स को भी बढ़ा दिया गया है। वो क्यों बढ़ा दिया गया है वो आपको वीडियो में अभी आगे पता चलेगा। अब गाइज, अगर बात की जाए मेगा ऑक्शन को किस तरीके से तैयार किया गया है, किस तरीके से इसकी फॉर्मेटिंग हुई है, तो चैनल के ऊपर हमने आपको पहले भी इन्फॉर्मेशन दी थी कि मेगा ऑक्शन के ड्राफ्ट में इनिशियली 2000 से भी ज़्यादा एंट्रीज हो गई थी, जो कि बहुत ज़्यादा थी। और क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकली सोचें तो मेगा ऑक्शन में इतने सारे प्लेयर्स का नाम लेना पॉसिबल नहीं होता है, तो इसकी शॉर्टलिस्टिंग की गई थी, जिसमें 2000 से पहली शॉर्टलिस्टिंग में सिर्फ 1331 प्लेयर्स को जगह दी गई, और उसके बाद सेकेंड वाली शॉर्टलिस्टिंग में बीसीसीआई ने 356 प्लेयर्स को सेलेक्ट किया। अब अगर आप लोग इसको ध्यान से देखो तो लास्ट ईयर के मेगा ऑक्शन तक या फिर लास्ट बार के मेगा ऑक्शन तक हमें सिर्फ 256 या फिर 260 प्लेयर्स ही देखने को मिलते थे, लेकिन इस बार ये नंबर ऑफ प्लेयर्स जंप होकर 350 जा चुके हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब है दो नई आईपीएल टीमों के वजह से इन नंबर ऑफ प्लेयर्स को बढ़ा दिया गया है, क्योंकि अब ज्यादा टीमें हैं तो ज्यादा प्लेयर्स का नाम आपको मेगा ऑक्शन में पिक होते हुए देखने को मिलेगा। अब गाइज, अगर बात की जाए मेगा ऑक्शन के ड्राफ्ट की डेट की और इसके साथ ही इसकी लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स की, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडी अन्ना के बारे में, जहां आप लोग क्रिकेट और फुटबॉल और 160 प्लस गेम खेलकर लाखों करोड़ रुपए जीत सकते हैं। ये 85 ब्रांचेस पर ऑपरेट होती है। इसके साथ ही आपको 24/7 विड्रॉल भी मिलता है। यहां पर रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंटेशन की भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो अभी कमेंट में दिए गए लिंक से इनको अभी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। अब गाइज, अगर सबसे पहले हम बात कर लें कि मेगा ऑक्शन का ड्राफ्ट आप लोगों को किस तारीख को देखने को मिलेगा, तो बीसीसीआई के द्वारा मेगा ऑक्शन के ड्राफ्ट की डेट रिवील की जा चुकी है, और ये डेट है जनवरी के सेकेंड वाले वीक में, यानी कि जनवरी 8 तारीख से लेकर जनवरी 14 तारीख के बीच में कभी भी बीसीसीआई स्टार स्पोर्ट्स की मर्जी के हिसाब से। और उसके साथ ही अगर कोई उनको हॉलीडे वाली डेट मिल जाती है तो उस दिन आपको इसको कंडक्ट करवाते हुए नजर आएगी, क्योंकि अक्सर हॉलीडे के दिन ही ज्यादा व्यूअरशिप आती है और हॉलीडे के दिन ही लोग ज्यादा इस ड्राफ्ट को लाइव देख पाएंगे। लाइव स्ट्रीमिंग की बात की जाए तो बिल्कुल आप लोगों को मेगा ऑक्शन का ड्राफ्ट जो है वो लाइव होते हुए देखने को मिलेगा, और मेगा ऑक्शन के ड्राफ्ट को आप लोग स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर लाइव देख पाएंगे। तो गाइज, ये वीडियो ही तक थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसको जरूर कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।